हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैच आपके लिए लेकर आया हूँ कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का ओरिजिन। लेकिन ओरिजिन से पहले कुछ बातें क्लियर होनी जरूरी है, जैसे कि सुपरमैन का ये कोई वर्जन नहीं है, बल्कि दो सुपरमैन एक साथ मिलकर एक आर्मर में कैद हुए थे या फिर एक आर्मर में मर्ज होकर वो इस दुनिया को बचा रहे थे। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन कहना एक तरह से सही भी है पर एक तरह से गलत भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं लुईस को, जो कि अपनी मौत के कगार पर थी और उसे बचाने के लिए सुपरमैन कुछ भी कर सकता था। और तभी एक लेडी एंटर होती है रूम में और वो बताती है कि मुझे पता है कि तुम ही सुपरमैन हो और तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तभी मैं तुम्हारे लुईस को बचा सकती हूँ। और वो लेडी उसे लेकर वहां से जा रही थी कि तभी सुपरमैन को पता चलता है कि उसने पूरे वक्त को थाम रखा है, यानी कि एक जगह पर फ्रीज कर दिया है, जिस वजह से जब तक सुपरमैन वो काम खत्म करके वापस नहीं आता तब तक लुईस जिंदा रहेगी। और जो काम सुपरमैन करने जा रहा था उसके लिए उसे अपने कुछ पावर्स की जरूरत पड़ने वाली थी, जैसे कि 4D विजन। और वो लेडी कहती भी है तुम अपनी 4D विजन ऑन कर लो, लेकिन सुपरमैन पहले उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब उन पर हमला होता है तब वो अपनी सारे विजन एक एक करके ट्राई करता है, जैसे कि एक्सरे विजन, टेलीस्कोपिक विजन और रेडियो विजन। लेकिन आखिरकार 4D विजन के साथ जब वो देखता है तब उसे पता चलता है कि वो सभी दुनियाओं के बीच में, यानी कि 52 यूनिवर्सेस के बीच में खड़ा था एक मशीन के साथ। यहाँ पर उन लोगों को कई लोगों की जरूरत थी, अर्थ 13 से लेकर अर्थ 6 तक, जिसमें कई सारे सुपर हीरोज, कई सारे सुपर विलन्स मौजूद थे। सबसे पहला था अल्ट्रामैन, जो कि एक अल्टीमेट वेपन, जो कि एक किलिंग मशीन बना उनके लिए। आगे का था अर्थ 6 का शज़ाम, अर्थ 10 जहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर नाजीज ने जीती थी और इस वजह से वहाँ का सुपरमैन इंग्लिश नहीं बल्कि दूसरी भाषा बोलता था और इंग्लिश वहाँ पर एक डेड लैंग्वेज मानी जाती थी। और यहाँ के सुपरमैन का नाम था ओवरमैन। और आखिर में एयरफोर्स के कैप्टन एलन एडम, जो कि क्वांटम सुपरमैन थे अर्थ 4 से, वो जहाँ पर रहते थे उस यूनिवर्स में फिजिक्स के लॉ किसी और तरीके से काम करते थे। यहाँ पर उन सभी को जमा करते हुए उन्हें सबसे पहले एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जो कि कई मीलों तक फैली हुई एक स्पेसशिप थी जिसे दुनिया से टकराने से बचाना था। और इस वजह से वो एक वीरान पड़े और तबाह हुए यूनिवर्स को ढूंढते हैं अर्थ 51, जहाँ पर वो उस स्पेसशिप को क्रैश करवा देते हैं। और यहाँ पर अल्ट्रामैन गुस्से में कैप्टन एडम यानी कि क्वांटम सुपरमैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जब लोग हम वहाँ पर उससे लड़ रहे थे तुम आखिर कर क्या रहे थे, तब वो बताता है कि वो स्पेसशिप में ऑनबोर्ड एआई के साथ था और 10 यूटाबाइट का वो सारा डाटा जो कि नेविगेशन के लिए जरूरी था वो स्टोर कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेडी एक एक करके सभी को कोई ना कोई लालच देकर यहाँ पर ले आई थी, जैसे कि अल्ट्रामैन को किसी खजाने का लालच देकर, ओवरमैन को अपने कजन का लालच देकर और सुपरमैन को लुईस का लालच देकर। यहाँ पर उन सभी को पता चलता है कि वो अलग अलग यूनिवर्सेस से यहाँ पर एक औरत की बात सुनकर आए थे और यहाँ पर उन्हें उनके काम पर भेजा जाता है। लेकिन बीच में ही वो जिस मशीन में थे वो बंद पड़ जाती है और वो उतरते हैं लिम्बो में, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है मेरी मैन से, जिसके साथ बहुत सारे लोग थे और वो सभी लोग धीरे धीरे करके अपनी याददाश्त खो चुके थे और यहाँ पर सभी लोगों पर उसका असर हो रहा था, जैसे कि कैप्टन मार्वल यानी कि शज़ाम अपने एनिमीज के नाम यहाँ तक कि कुछ यादें भूल चुका था। यहाँ पर सुपरमैन समझ जाता है कि अगर यहाँ पर ज्यादा देर ठहरे तो हमारे साथ भी यही होगा और वो किसी क्लू की तलाश में निकल पड़ता है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ उस पूरी दुनिया में सिर्फ एक बुक है जो कि एक बंदर ने लिखी है और उसे कोई नहीं पढ़ सकता और वो इन्फिनिट पेजेस के साथ थी। तब सुपरमैन और कैप्टन मार्वल समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है और वो दोनों उस बुक के एक फोर्स बबल में हाथ डालकर उसे पढ़ने लगते है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मॉनिटर जिनमें से एक गद्दार बन चुका था और जो सबसे पावरफुल भी था, उसी ने ये बताया कि हम एक पैरासाइट की तरह अपनी अपनी अर्थ पर जी सकते हैं और अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। और उन्हें यह भी पता चला कि मॉनिटर का सबसे खतरनाक हथियार यानी कि एक कॉस्मिक आर्मर उन्होंने तैयार किया था इन सबको रोकने के लिए। यहाँ पर इतनी जानकारी के बाद उन दोनों को एक तेज झटका लगता है और कैप्टन मार्वल बिली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर सुपरमैन उसे लेकर भाग रहा था उस मशीन की तरफ और उसे कहता है कि वो शब्द कहो कैप्टन मार्वल बनने के लिए। तब बिली कहता है लेकिन मुझे वो शब्द याद ही नहीं आ रहे। यहाँ पर वो लोग उस मशीन में फिर से चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि ओवरमैन को वो लेडी बाइट करके उसके खून को एब्जॉर्ब करके वो पूरे शिप को चार्ज कर रही थी। लेकिन अभी उनके सामने कुछ और परेशानी थी। क्वांटम सुपरमैन बताता है कि वहां पर अल्ट्रामैन कुछ लेकर आया है और अल्ट्रामैन
उस बुक को लेकर उनके पास आ चुका था और वो कहता है मेरे पास प्रूफ है इस बुक में कि सुपरमैन इविल बनने वाले है, और वो बताता है कि इस बुक में लिखा था आखिर में इविल ही जीतने वाला है। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर सिर्फ एक गॉड एग्जिस्ट करता है, मैमोन, जो कि लॉर्ड ऑफ ग्रीड और प्रॉपर्टी है, और इस वजह से हम मटेरियल वेल्थ पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और इस बुक के आखिर में लिखा है कि एक ही भगवान जीतेगा, वो भगवान जो हम सबसे नफरत करता है, और वो ब्रिज तैयार करके मल्टीवर्स में आ रहा है वॉइड के जरिए, और यहाँ पर पूरी लाइट को एक डार्कनेस खा लेगी, और उसका नाम है मैंड्रेक। ये वही था जो कि एक पैरासाइट बन के अपनी अर्थ को खाने वाला था, और बाकी सभी मॉनिटर्स ने मिलकर उसे कैद कर लिया था। यहाँ पर सुपरमैन और क्वांटम सुपरमैन समझ चुके थे कि ये पागलों जैसे हरकत कर रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ लिम्बो के लोग उनसे लड़ने के लिए हथियार रेडी करके उन्हें मारने आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ओवरमैन अपनी सुध में आ चुका था और वो मारने के लिए आगे बढ़ता है उस लेडी को, लेकिन बिली उसे रोकते हुए कहता है मैं एक रिपोर्टर हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर एक स्टोरी है। जहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि इसने तुम्हारा ब्लड लिया ताकि ये इस पूरे मशीन को चला सके, इस पूरे शिप को, और जैसा कि मुझे पता है कि यहाँ पर सिर्फ इसकी बात नहीं है लेकिन यहाँ पर एक लव स्टोरी एग्जिस्ट करती है। इतना सुनकर वो लेडी जिसका नाम जिलो वाला था वो आगे बढ़ के बिली से कहती है घबराओ मत, मैं तुम्हारे दिमाग के चैम्बर्स में वो गूंज सुन सकती हूँ बिली बैटसन, वो लाइटनिंग, वो आवाज है, वो सभी, और मैं वो तुम्हें बता दूंगी। यहाँ पर बाहर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। यहाँ पर अल्ट्रामैन और सुपरमैन आपस में लड़ने जा रहे थे क्योंकि अल्ट्रामैन साइड ले रहा था मैंड्रेक की और सुपरमैन उसे रोकना चाहता था, और तभी शज़ाम उन दोनों को शांत करते हुए वहां पर आता है। यहाँ पर क्वांटम सुपरमैन समझ चुका था कि उसे क्या करना है, और दोनों को पकड़कर वो अपनी हथेली पर लेता है और दोनों को फ्री करके एक दूसरे को मारने के लिए कहता है। यहाँ पर अल्ट्रामैन सुपरमैन का काउंटर पार्ट था यानी कि एंटीमैटर यूनिवर्स से, और उन दोनों का एक्सप्लोजन एक बहुत बड़े धमाके को जन्म देता है, और यहाँ पर क्वांटम सुपरमैन उसी धमाके के साथ कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन रेडी कर चुका था जो आर्मर बनाया था मॉनिटर्स ने। यहाँ पर वो आर्मर रेडी होने के बाद सबसे पहले वो पढ़ता है मॉनिटर्स की तरफ, और मॉनिटर्स उसे बताते हैं कि वहां पर प्लग पिट में वो मैंड्रेक अभी भी वहीं पर है, और मैंड्रेक हाथ में एलिजर थे जो कि लुइस की जान बचाने के लिए सुपरमैन को चाहिए थे, जो कि लुइस को इस सब से बाहर निकाल सकते थे। सुपरमैन अपनी पूरी पावर के साथ और अपनी पूरे कॉस्मिक पावर के साथ उसके ऊपर टूट पड़ता है, अपनी सारी स्ट्रेंथ, अपनी सारी पावर, और एक थॉट रोबोट होने की वजह से यानी कि जो पावर वो सोचता था वो पावर उसके पास आ जाती थी। इस वजह से वो मैंड्रेक को हराने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंड्रेक एक मॉनिटर होने की वजह से वो उस पर काबू नहीं कर पाता। यहाँ पर वो उसे हरा कर उसे लुइस की याद दिलाता है, और एक आखिरी फाइनल ब्लो वो मारने जा रहा था कि तभी वो ब्लो लगता है जिलो वाला को, और तब हमें पता चलता है कि जिलो वाला और कोई नहीं बल्कि मैंड्रेक की ही एक लव इंटरेस्ट थी। उसके मरने के बाद सुपरमैन उठकर फिर से मैंड्रेक को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन अल्ट्रामैन जो कि अभी भी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के अंदर था वो उसे चीख चीख कर कह रहा था कि इसे तबाह कर दो। यहाँ पर सुपरमैन और अल्ट्रामैन दोनों एक साथ ब्लास्ट होने के साथ मर्ज हो चुके थे, और इस वजह से वो दोनों ही एक ही कॉस्मिक आर्मर में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन सुपरमैन की कॉन्शियसनेस ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से पूरे आर्मर पर कंट्रोल उसका था, और सिर्फ एक काउंटर पार्ट बन के अल्ट्रामैन उस आर्मर में कैद था। यहाँ पर उसे हराने के बाद उस प्लग पिट से मैंड्रेक को सुपरमैन नीचे गिरा देता है, और जैसे जैसे वो सब कुछ ठीक कर रहा था वैसे वैसे ही वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर सब लोग अपने अपने अर्थ पर लौट चुके थे सिवाय अल्ट्रामैन के। अल्ट्रामैन उसी प्लग पिट में नीचे गिर चुका था, और उसी प्लग पिट में नीचे गिरने के बाद मैंड्रेक उसे आकर इन्फेक्ट कर देता है, एक वैम्पायर सुपरमैन बना देता है, और मैंड्रेक कहता है कि एक सिंगल बुक में मेरी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो सकती, मैं वापस आऊंगा सुपरमैन तुम्हारे वीकेस्ट पॉइंट पर, और जब मैं आऊंगा तब तुम हारोगे क्योंकि मैं मिलियन की आर्मी के साथ आऊंगा और हमारी बात वहीं से फिर से शुरू होगी। क्या सुपरमैन को कहा गया था कि वो एलिक्सर लेकर नहीं जा सकता, लेकिन जब सुपरमैन उससे उस मर्जिंग से बाहर निकला तब पूरा ब्लीड यानी कि वो एलिक्सर शावर बनके सुपरमैन के आसपास बिखेर चुका था, और सुपरमैन उसे अपनी अर्थ पर ले गया। शर्त ये थी कि वो किसी कंटेनमेंट के साथ, किसी बॉटल के साथ या फिर किसी और चीज के साथ उसे नहीं ले जा सकता, लेकिन सुपरमैन फिर भी वो उसे ले जाता है, और ये करने के साथ वो लुइस लेन को बचा लेता है। यहाँ पर लॉजिक ये था कि सुपरमैन की पूरी बॉडी उस एलिक्सर के साथ शावर हो चुकी थी, और इस वजह से ये करने के साथ ही सुपरमैन फिर से ब्लीड की वजह से लुइस को बचा लेता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो पर खत्म होता है, तो आप मुझे कमेंट करें और
अपने सजेशंस मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।